कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि हम लोग आपके लिए एवरी संडे उत्तराखंड का टेस्ट लेकर आते हैं। आज हमारा उत्तराखंड का टेस्ट नंबर 21 है। इससे पहले आपके 20 टेस्ट हो चुके हैं और 28 उत्तराखंड की क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से अपने टेस्ट और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। विन आईएएस कैंपस आपकी सेवा में 24 घंटे कार्य कर रहा है ताकि हम आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट और टॉप रिजल्ट करा सकें। और विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम आपके लिए कोई भी हॉलीडे नहीं है। प्रतिदिन आपको यूट्यूब पर क्लास उपलब्ध कराई जा रही है और आपका संपूर्ण सिलेबस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कराया जाएगा। आप निश्चित रहिएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, कहीं पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप जुड़िएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन क्लास पाने के लिए और टेस्ट पाने के लिए और करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आइए देखते हैं सामान्य उत्तराखंड टेस्ट नंबर 21। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है बताइए? केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं को मानसखंड। ये कुमाऊं को कहा गया है, आप याद रखना कुमाऊं को। मानसखंड कुमाऊं को कहा गया है और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने प्रथम विद्रोह 1857 में भाग लिया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, या उसे भारत का प्रथम विद्रोह भी कहा जाता है, एक ही बात है सब। ज्ञान सिंह बिष्ट, चक्रधर जुयाल, कालू सिंह मेहरा, बताइए 1857 की क्रांति में किस व्यक्ति ने उत्तराखंड से भाग लिया था? वो लिया था कालू सिंह मेहरा ने। और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सही सुमेलित है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, बताइए। देखिए, सरला बहन ये कह रहे हैं ऑप्शन में कि इसका संबंध शिक्षा से है, बिश्नी देवी राष्ट्रीय आंदोलन, हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण, बाला देवी राणा पर्यावरण, डी ई कह रहा सभी सही सुमेलित है। देखो, सरला बहन का जो संबंध है शिक्षा से है, सही है, बिश्नी देवी राष्ट्रीय आंदोलन से है, हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण है, बाला देवी पर्यावरण है, तो आंसर हो जाएगा सभी सही सुमेलित है, तो ई आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्म कमल पाया जाता है, जो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है ब्रह्म कमल, वो कहाँ पर पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई, 3600 से 4000 मीटर, 4800 से 6000 मीटर, बताइए। वेरी गुड, ये पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, देखिए काशीपुर, काशीपुर में क्या है? काशीपुर में जो है पेपर मिल है, ठीक है, ना कि चीनी मिल। सितारगंज में है चीनी मिल, ठीक है, उत्तरकाशी पर्वतारोहण संस्थान है और अल्मोड़ा उन्हीं वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का पहला हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा और डी का सी हो जाएगा,
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जो थे उत्तराखंड का एक व्यक्ति था, उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की थी? चनौंद में, खुमाड़ में, देघाट में या फिर सालभ में? बताइए। शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की जो स्थापना की थी वो की थी चनौद में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किसे स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर कहा जाता है? बताइए। ए ऑप्शन, वासुकी ताल को, नैना झील को या फिर चोराबाड़ी ताल को? बताइए। वेरी गुड। ये जाना जाता है ऋषि सरोवर के नाम से, नैना झील जो नैनीताल में है इसे ही ऋषि सरोवर कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, दून स्कूल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? देहरादून में है दून स्कूल, याद रखना। विठल मालिया ने, सतीश रंजन दास ने या फिर कैंप बेल ने? बताइए, किस व्यक्ति ने उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध स्कूल है दून स्कूल उसकी स्थापना की थी? ये की थी सतीश रंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 9, झगोरा वे मंडवा क्या है? झगोरा और मंडवा क्या है? फल, अनाज, स्थान या फिर नदिया? ये जो है झगोरा और मंडवा उत्तराखंड के अनाज हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। उत्तराखंड में आधुनिक चाय की फैक्ट्री, वर्तमान में जो चाय की फैक्ट्री है वो उत्तराखंड में आधुनिक पद्धति पे आधारित कहाँ पर स्थित है? कौशानी, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर चमोली? बताइए। वेरी गुड। कहाँ पर स्थित है ये फैक्ट्री है आधुनिक चाय की? कौशानी। और कौशानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, नैनीताल, बंगलुरु या फिर नई दिल्ली? बताइए कहाँ पर स्थित है। ये जो है आपका देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1936 में, 1945 में, 1940 में, 1919 में? बताइए। वेरी गुड। कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना की गई थी 1945 में की गई थी, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 13, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है या गढ़ केसरी किसका उपनाम है? एक ही बात है, गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा? बताइए। वेरी गुड। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था या कब मिलाया गया था या कब इसका विलय किया गया था? एक ही बात है सब, 1920 में, 1932 में, 1949 में, 1950 में? टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का हिस्सा या भारतीय संघ में जब शामिल किया गया था वो वर्ष था 1949, 15 अगस्त डेट थी, 15 अगस्त 1949। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, धौली गंगा वे काली को शारदा कहते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है,
का संगम होता है। ये क्लास जो नदियों का संगम है, कौन सी नदी का कहाँ पर संगम होता है, किस स्थान पर होता है, किस जिले में है, ये क्लास फ्राइडे में कराई थी मैंने। मतलब ये मान लो आप एक जुलाई की क्लास है, नदियों का संगम आप वहां से कंप्लीट करें, ठीक है। सब नदी दो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, धौली गंगा वे काली शारदा नदी का संगम होता है धारचूला में, तिजांग में, बद्रीनाथ में या फिर ऋषिकेश में। धौली गंगा या काली का जो संगम होता है वो होता है धारचूला में, और धारचूला जो है स्थान ये पिथौरागढ़ में है, वैसे भी पूछता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करें, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है, नामिक ग्लेशियर से पूर्वी गंगा निकलती है, जोहार घाटी ट्रेल पास जो दर्रा है वहां पर है जोहार घाटी, बैजनाथ से गोमती नदी निकलती है। तो मिलान अपने आप में सब सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई, सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, बताइए कौन सा एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग या फिर हरिद्वार, बताइए। वेरी गुड, पंच प्रयाग में जो शामिल नहीं है वो है हरिद्वार, बाकी ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी, याद रखना गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा या नाम से कौन प्रसिद्ध है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा या किसे जाना जाता है, एक ही बात है, तिलू रोतेली को, महारानी गुलेरिया को, तनु जोशी को या फिर सभी को। गढ़वाल के इतिहास में जो झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है तिलू रोतेली को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, ये भी पूछा जाता है। की स्थापना किस वर्ष हुई थी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1950, 1965, 1919 या 2000 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में, और ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, राज्य में उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 20, नैनी झील को किस नाम से जाना जाता है, मतलब जो नैनीताल में नैनी झील है उसे और किस नाम से जाना जाता है, गिरिताल, ओमताल या फिर ऋषि सरोवर। अभी क्वेश्चन कराया था मैंने अभी आपको कि ऋषि सरोवर का दूसरा नाम क्या है, नैनी झील, और नैनी झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऋषि सरोवर, एक ही बात है सब, ऋषि सरोवर का दूसरा नाम नैनी झील, नैनी झील को और नाम से जाना जा ऋषि सरोवर, ठीक है। तो ये थे प्यारे छात्रों छात्राओं आज का हमारा टॉप 20 उत्तराखंड के टेस्ट, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आज संडे है, संडे में आप लोगों को पता है कि हम आपको कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट करा रहे हैं, और आपकी क्लास भी चलती है और टेस्ट भी होते हैं, तो आप जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।